इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स मीट्स द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स प्लस बी एट क्यू एंड आर, ठीक है, देन द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज। देखो ये दोनों पैराबोला अलग अलग पैराबोला है, दोनों पैराबोला हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। एक का वर्टेक्स है जीरो जीरो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, जो यह स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये ड्रॉ कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। दूसरा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है माइनस बी कॉमा जीरो, ठीक है, दूसरा पैराबोला का वर्टेक्स है माइनस बी कॉमा जीरो, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट वाले पैराबोला पर एक्स वन कॉमा वाई वन कोई पॉइंट है, एक्स वन कॉमा वाई वन कोई पॉइंट है, ये ले लिए एक्स वन कॉमा वाई वन कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस पैराबोला पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पर इस पैराबोला पर हमेशा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये सेकेंड वाला पैराबोला को क्यू और आर पर कट करती है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है, ठीक है, क्यू और आर है। तो फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का जो मिड पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट फाइंड करना है। सपोज कर लिए कि ये क्यू आर का मिड पॉइंट होगा जिसका जो फाइंड करना है, तो मान लिया एच कॉमा के, एच कॉमा के हो गया मिड पॉइंट। अब देखो इस पैराबोला पर जो इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इस पैराबोला पर कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो उस पैराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, टी इक्वल टू जीरो, टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वाई वाई वन इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन, ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन। इसको हम लोग अच्छे से अरेंज करते हैं तो टू ए एक्स माइनस वाई वन वाई और प्लस टू ए एक्स वन इक्वल टू जीरो, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब अगर मिड पॉइंट एच कॉमा के है कॉर्ड पी कॉर्ड क्यू आर का, तो इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में कॉर्ड क्यू आर का इक्वेशन लिखेंगे टी इक्वल टू एस वन, तो टी इक्वल टू एस वन से कॉर्ड क्यू आर का इक्वेशन लिखेंगे जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है, और पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस बी, यही ना है एक्स प्लस बी, हाँ ठीक है, तो टी इक्वल टू एस वन इसमें लगाते हैं तो वाई के वाई हो जाएगा ना, वाई के माइनस फोर ए और एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस एच बाई टू प्लस बी होगा, और इक्वल टू में के स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस बी, एच प्लस बी है ना, एक्स के प्लेस पर एच के रखेंगे तो एस वन लिखाता है, एच प्लस बी हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम लोग अरेंज कर देते हैं, अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा के वाई माइनस टू, यहाँ पर जाएगा एक टू कट जाएगा तो माइनस टू ए, और ये होगा एक्स प्लस एच प्लस टू बी, और इक्वल टू में होगा के स्क्वायर माइनस फोर ए एच माइनस फोर ए बी, ठीक है, तो के वाई माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एच माइनस फोर ए बी, ठीक है, और इधर होगा के स्क्वायर माइनस फोर ए एच माइनस फोर ए बी, है ना, तो माइनस फोर ए बी दोनों साइड से कट गया। तो अब क्या बचा, देखो ये माइनस टू एक्स उधर ले जाएंगे प्लस बनाने के लिए, तो टू ए एक्स माइनस के वाई, ठीक है, और ये टर्म इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा के स्क्वायर माइनस टू एच इक्वल टू जीरो, ये होगा, ये हो गया इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों का दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिकल है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, है ना, जब इसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तब कितना आएगा, देखो एक्स कोफिशिएंट टू ए है, यहाँ भी टू ए है, तो टू ए बाई टू ए होगा इक्वल टू वाई वन बाई के होगा, है ना, यहाँ वाई वन है वाई कोफिशिएंट, यहाँ के है, इक्वल टू यहाँ पे है टू ए एक्स वन बाई, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू ए एच, ये होगा। अब मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, अच्छा मिड पॉइंट एच कॉमा के फाइंड करना है ना, तो देखो एच कॉमा के यहाँ से निकालते हैं, अगर हम ये टू ए बाई टू ए तो वन हो गया ना, टू ए बाई टू ए वन हो गया, तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू तो हो जाएगा वाई वन, तो के का वैल्यू हो गया वाई वन, ठीक है, ओके। अब हम ये फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो वन इक्वल टू होगा टू ए एक्स वन बाई के स्क्वायर मतलब वाई वन स्क्वायर माइनस टू ए एच होगा, तो वाई वन स्क्वायर माइनस टू ए एच इक्वल टू टू ए एक्स वन होगा, तो एच का वैल्यू कितना आएगा, देखो अगर टू ए एच लिखते हैं
तो ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन होगा। देखो एक चीज हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि एक्स वन कॉमा वाई वन जो है वो इस पैराबल अप्लाई कर रहा है, जब लाइक कर उसको सेटिस्फाई करेगा तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वन होगा ना। तो ये चीज हम रिप्लेस करेंगे वाई वन स्क्वायर के प्लेस पर, तो वाई वन स्क्वायर के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे फोर ए एक्स वन, तो माइनस टू ए एक्स वन होगा। तो टू ए एच इक्वल टू होगा टू ए एक्स वन, तो टू ए कट गया ना, तो एच का वैल्यू कितना आ गया एक्स वन। तो एच कॉमा के जो है वो हो गया एक्स वन कॉमा वाई वन, मतलब एक्स वन कॉमा वाई वन ही उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, यही है एच कॉमा के, वही है मिड पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ओके।